Hello guys, how are you all? I hope you are doing well. My name is Zishan and you are watching my YouTube channel Learn English with British. रोज की तरह से आज भी एक नए लेसन के साथ आप सभी लोगों के सामने आया हुआ हूँ. So guys, आज भी एक नया लेसन है, आज भी हम कुछ नया सीखने वाले हैं. So basically आज हम कुछ sentences, कुछ phrases सीखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ भी है white board पे, asking about the directions. Yes, sometimes होता क्या है, हम कहीं नई जगह जाते हैं, नए सिटी में जाते हैं, नए जगह पे हम किसी लाइक फंक्शन में, शादी में घूमने के लिए जाते हैं, तो अक्सर होता क्या है, हम बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, sometimes we may forget the directions, हम रास्ता भूल जाते हैं, तो अक्सर हमें वहां के लोगों से उस डायरेक्शन के बारे में पूछना होता है. सो हम उस डायरेक्शन को कैसे पूछ सकते हैं, वही सारे फ्रेजेस मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे. एंड आई वुड टेल यू इन दिस लेसन हाउ कैन वी आस्क द डायरेक्शंस. सो प्लीज गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. जो पहला आपका सेंटेंस है दिख भी रहा होगा आप लोगों को, हाउ आई गेट टू. अब जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा हुआ है, यहाँ पे हम किसी भी प्लेस का नाम ले लेते हैं. लेट्स सपोज आई एम फ्रॉम लखनऊ, ऑब्वियसली सो आई वुड गो फॉर लखनऊ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा राइट. अब यहाँ पे इस सेंटेंस में पूछा गया है हाउ आई गेट टू लखनऊ फ्रॉम हियर. लेट्स सपोज यू आर मूविंग टू अ न्यू सिटी, आप उस सिटी में जाने के लिए आपको डायरेक्शन पूछना है किसी से, तो आप पूछ सकते हो हाउ आई गेट टू लखनऊ फ्रॉम हियर, राइट. ओके गाइस, सो दिस सेंटेंस कैन बी यूज व्हाइल यू कैन आस्क अबाउट द डायरेक्शन. हम इसको डायरेक्शन को कैसे पूछेंगे, हाउ आई गेट टू लखनऊ फ्रॉम हियर, राइट. तो हम लखनऊ के बारे में पूछ सकते हैं, या कोई एनी अदर सिटी यू वांट टू आस्क अबाउट, कोई लाइक पर्सन आपको मिलता है उससे आप पूछ सकते हो. नेक्स्ट सेंटेंस भी उसी के साथ सिमिलर है, थोड़ा सा लिखा हुआ भी है, कैन यू शो मी द वे टू लखनऊ. यस राइट. अब हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि लखनऊ का रास्ता कहाँ है, मैं कहाँ से लखनऊ जा सकता हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस, कैन यू शो मी द वे टू लखनऊ, राइट. कैन यू शो मी द वे टू लखनऊ, नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट फ्रेज है आपका, कैन यू हेल्प मी फाइंड लखनऊ, राइट. अब यहां पे भी बात हो रही है, नेक्स्ट सेंटेंस उसी से मिलता जुलता है, बट एक अलग तरीके से हम पूछ सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो लखनऊ ढूंढने में, या लखनऊ का रास्ता कहां है, तो कैसे पूछेंगे, कैन यू हेल्प मी फाइंड लखनऊ. इफ यू वॉन्ट एनी अदर सिटी, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, आगरा, एनीथिंग इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज इट. नेक्स्ट सेंटेंस भी है यहाँ पे, ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा फॉर्मल में आ जाएगा. फॉर्मल में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट वर्ड एक्सक्यूज मी, राइट. एक्सक्यूज मी, या अगर आप एक्सक्यूज मी का यूज नहीं करना चाहते हो तो एक नया वर्ड आप यूज कर सकते हो, पार्डन सर, राइट. तो आप किसी से पूछ भी सकते हो, या एक्सक्यूज मी और पार्डन दोनों ही एक तरीके से हम यूज कर सकते हैं किसी से, लाइक तरीके से पोलाइटनेस के लिए हम किसी से पूछने के लिए सेंटेंस, तो वी कैन गो फॉर एक्सक्यूज मी और पार्डन सर, राइट. दोनों का यूज हम कर सकते हैं. लेट्स सपोज मैंने कहा एक्सक्यूज मी आई एम लुकिंग फॉर माय, अब इसके आगे कोई भी चीज आप ढूंढ सकते हो. लेट्स सपोज मैंने कहा होटल, राइट. इफ यू आर इन लखनऊ एंड यू आर न्यू टू लखनऊ, अब आप लखनऊ के लिए नए हो, एंड यू हैव जस्ट कम आउट टू हैंग अराउंड, टू हैंग आउट इन लखनऊ, एंड सडनली व्हाट वेंट रॉन्ग विद यू, सडनली आप रास्ता भूल गए और वहां पे कोई शख्स आपको मिलता है, कोई पर्सन आपको मिलता है, आप उससे पूछ सकते हो एक्सक्यूज मी आई एम लुकिंग फॉर माई होटल, या आप कोई और चीज का भी यूज कर सकते हो, आई एम लुकिंग फॉर माई रेस्टोरेंट, आई एम लुकिंग फॉर माई होटल, आई एम लुकिंग फॉर स्टेशन, एनीथिंग इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज इट, राइट. नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट जो सेंटेंस है आपका वो है व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट टू लखनऊ, राइट. तो लास्ट सेंटेंस है आपका, उसमें भी एक नया तरीका है, पूछ सकते हैं हम किसी से व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट टू लखनऊ. अब ये सेंटेंस कब पूछेंगे, लेट्स सपोज देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे रास्ते लखनऊ पहुंचने के, बट एक रास्ता कॉमन है, मे बी सही रास्ता है, शॉर्टकट आपको मिल सकता है, तब इसको हम पूछ सकते हैं व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट टू लखनऊ, राइट. सो दीज आर द फ्रेजेस कैन बी आस्क, कैन बी यूज व्हाइल आस्किंग अबाउट द डायरेक्शन, राइट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आ ही गया होगा. सो गाइज प्लीज इन सेंटेंसेस का यूज करिए, कभी आप रास्ता भटक जाते हो और कहीं खो
जाते हो, जस्ट ट्राई टू यूज दीज ऑल सेंटेंसेस, इट मे हेल्प यू आउट टू गेट योर राइट डायरेक्शन. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इट्स ज़िशान फ्रॉम हियर. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. गुड बाय गाइज.